हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे हो चुकी है आज मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट। और आज मॉर्निंग की स्टार्ट करते ही सबसे पहले तो मम्मी ने एज़ यूज़ुअल धुरकले खाना जो है वो बना के पैक भी कर दिया और उसको ब्रेकफास्ट भी दे दिया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और सेकेंड चीज़, आज थोड़ा सा बेसिक, पापा भी खेत वाले काम कर रहे, तो मैं नो एथिना का खाना वाना बनाना है मेरे को। और साथ ही साथ पतिदेव भी आज जा रहे हैं अपने काम से थोड़ा सा जल्दी, तो उनको विदा विदा करने के बाद फिर अपने घर की दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। तो उससे पहले बनाती हूँ एक कड़क चाय और उसके बाद करती हूँ अपनी स्टार्ट। तो चलिए, आज का दिन कैसे रहता है और क्या करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए, और ये लग गया है सुबह सुबह ध्रुवा का ब्रेकफास्ट। तो ये ब्रेकफास्ट करके जाएगा वो। और सुबह सुबह पापा मम्मी लोग बोने लगे हैं लहसुन। और वो देखो एथिना का हाल, थोड़ा पास से दिखाती हूँ कैसे बैठी है मोटी। और पति देव जा रहे हैं आज दूध लेने के लिए, क्योंकि पापा लगा रहे हैं लहसुन। और यहाँ पे सुबह सुबह थोड़ा सा आंगन वागन साफ करते हैं तो लगाते हैं झाड़ू। और दिन इस आंगन में मैं लगाती थी झाड़ू, लेकिन आज सब बिजी है अपने अपने काम में, तो लगा रहे हैं पतिदेव और मैं करूंगी आज अंदर का काम। और आज अंदर के काम में है क्या, पहले सबसे पहले कुत्तों का खाना बनाना, क्योंकि ये है बहुत ज़रूरी। और पापा वहाँ लहसुन लगा रहे हैं तो मैं यहाँ चढ़ा दे रही हूँ इन लोगों के लिए खाना। मैं ध्रुवा बैठा है अपनी बस का इंतजार, और गाड़ी धुलना भी ज़रूरी है तो दोनों गाड़ी धुल ली है। और यहाँ मेरा चूहा बैठा हुआ है आराम से। पतिदेव चलने की तैयारी में, और मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट है पंजीरी। और यहाँ पे मैंने दूध के लिए कपे निकाल दिए, और मैं भी लूँगी थोड़ी सी पंजीरी और थोड़े बिस्किट। और यहाँ पे हो रहा है दूध गर्म, उसके बाद मम्मी को भी देती हूँ और अपना भी ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज दिन के लंच में है चावल और घी, मसूर की दाल और थोड़ा सा मूंगी। तो ये मेरा लंच है। खाना वाना खाने के बाद, दिन का खाना खाने के बाद मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पे मक्खन का घी, मलाई का घी। और यहाँ पे मेरा मक्खन बनके हो चुका है रेडी। तो यार, अब मैं बनाना सीख गई हूँ फुल्ली तरीके से। टाइम लगता है लेकिन ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो घी खाएंगे हम, और जो ये छाछ निकली है ये पियेंगे नोवा एथिना और मेरी चुहिया। वहाँ पे मेरा जो मक्खन है वो बनके रेडी हो चुका है, और अब इसे बनाते हैं घी। तब तक ध्रुवा भी आ जाएगा स्कूल से, जब तक ये घी बनेगा। तो किचन में आके मैंने निपटा दिया अपना एक और काम, घी बनाने वाला। तो दिखाती हूँ कितनी प्रोसेसिंग हो गई है मेरे घी की। मेरा बस मुश्किल से 10 मिनट और है। और ये जब घी बनाती हूँ ना तो मीनू दिखी आ जाती है, क्योंकि जो इसके नीचे निकलता है ना ब्राउन ब्राउन सा, जब ये थोड़ा सा ये ब्राउन ब्राउन हो जाएगा तो इसे बोलते हैं, हम तो कुड़नी बोलते थे, फिर मीनू दी लोग इसको मैरा बोलते हैं। और मीनू दी इसे बहुत खाती है, मतलब अगर ये जैसे ये जो टुकड़े आ रहे हैं ना ये ब्राउन हो जाते हैं तो। और क्या कहते हैं, जिस दिन हमारे घर में ताज़ा घी बन गया और ये मैरा मीनू दी को मिल गया, मीनू दी उस दिन सब्जी भी नहीं खाती है, सिर्फ यही खाती है, उन्हें इतना उनका इतना फेवरेट है ये। और यहाँ पे बनके रेडी है मेरा घी। अभी थोड़ा ठंडा होगा फिर डालते हैं इसे।
डब्बे में। तो यहाँ पे चल रहा है ध्रुव और मेरा टी ब्रेक शाम को, तो मैं पी रही हूँ चाय के साथ ओरियो और ध्रुवा पी रहा है चाय के साथ बेकरी वाले बिस्किट्स। आ गई हूँ यहाँ पे रात के डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए, और रात के डिनर पे आज सोच रही हूँ कुछ स्पेशल बनाऊँ, तो दिखाती हूँ आपको कि क्या स्पेशल बना रही हूँ। यहाँ पे आज मैंने बना दी है मटर की सब्जी, जो कि हम बाद में खाएंगे रोटी के साथ। तो यहाँ पे एक सब्जी मेरी रेडी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मैदा गूंथ के रखा है, और थोड़े से मटर मैंने यहाँ पे निकाले हैं, दही इमली भी खा के रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज कटोरा चाट बनाती हूँ, तो रेसिपी दिखाऊंगी कटोरे चाट की कैसी कैसी और क्या क्या है करके। मैदे की जो रोटी है वो बेल दी है, और तेल यहाँ पे गरम करने को रख दी है। तो जो ये वाला कटोरा है, इस कटोरे के साथ मैं अपनी कटोरी बनाऊंगी पूरी, तो दिखाऊंगी आगे की प्रोसेस में कैसे बनाती हूँ करके। मैदे की जो रोटी हुई थी उसको मैंने कटोरे में डाल के इस टाइप से घुमा लिया है, और अब मैं इसको कटोरे के साथ ऐसे उठा के ऐसे इस तेल में तल दूंगी, ताकि जो पूरी कटोरी है मेरी कटोरी बन जाए। इसके बाद देखते हैं मेरा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो सही होता है या नहीं होता है। ये देखिए जो मेरी कटोरी है उसमें जो मैदा है वो छोड़ दी है, और कटोरी बनने स्टार्ट हो गई है। तो देखती हूँ पूरी कटोरी कैसे निकलती है इसकी। देखिए यहाँ पे मेरी जो कटोरी है वो निकल गई है बिल्कुल परफेक्ट बन के, और जो इसकी कटोरी थी वो मैंने यहाँ निकाल के रख दी है। तो ये बन गई है मेरी परफेक्ट कटोरी, चाट कटोरी के लिए कटोरी बन गई है अच्छी। मेरी जो कटोरी है वो तो सही बन गई है, और यहाँ पे ध्रुवा जो एक टूट गई थी मेरे से नीचे गई थी कचौड़ी, वो कटोरी उसका ध्रुवा ने कर दिया एक्सपेरिमेंट। और एक मेरी बनती है यहाँ पे, एक और लास्ट है, पांच लोग पांच कटोरियाँ काफ़ी है। मैं सोच रही थी बनाने के लिए कटोरा चाट, वो मेरी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है किचन में आके, और आज आ रहे हैं पतिदेव भी घर, पहले उनका प्लान नहीं था आने का लेकिन अब वो आ रहे हैं। तो दिखाती हूँ मेरी प्रिपरेशन में क्या क्या मैंने प्रिपेयर कर रखा है, और कैसे अपनी कटोरे चाट को असेंबल करती हूँ। मेरे कटोरे चाट के कटोरे बन गए हैं, मतलब सारे ही ठीक बने, लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो मेरा जो प्रॉपर शेप के साथ आया है वो ये वाला बना है। थोड़ा सा नीचे जल गया है, जज मत करना, बट हो जाता है ठीक है, ऊपर से तो अच्छा बना है ना। और यहाँ पे मेरी ग्रीन चटनी रेडी है, यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो डालूंगी वो बना रखे मैंने आलू को हल्का सा क्रंची कर रखा है काट के, बूंदी प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी सी मीठी दही, और ये वाले चने जो है वो मैंने अपने लिए निकाला है क्योंकि मैं मसाले नहीं खाती, और ये वाले रगड़ा चने बना रखे हैं औरों के लिए घर के। और आज मैंने जो इमली की चटनी है अपनी उसे अलग तरीके से बना रखी है, पहले मैं बनाती थी पका के, लेकिन अभी मैंने इमली को भिगा के उसके अंदर मिर्च और प्याज और धनिया काटा है। तो ये मेरी है ऊपर से इमली की चटनी। तो ये है मेरी पूरी प्रेजेंटेशन आज खाने की। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए बनाने लग गई हूँ कटोरी, और ऊपर से मैंने डाल दिया इसमें रगड़ा चना, फिर डालूँगी थोड़ा क्रंच के लिए, वो कुछ ज़्यादा ही हाथ से क्रंच हो जा रहा है मेरे, और फिर डालती हूँ इसके ऊपर जो मेरी मैंने थोड़ी रनी रनी दही बना रखी है, यही जो है ना असली टेस्ट, यही देगी दही। उसके बाद डाल दूंगी, अरे कटोरा भी तो भाग रहा है, उसके बाद डाल दूंगी अपनी हरी चटनी। तो मेरी माता श्री को है थोड़ी सी हरी चटनी ज़्यादा पसंद, और उसके बाद मेरी स्पेशल इमली की चटनी। तो उसके साथ ये जो प्याज आएंगे ये भी क्रंच क्रंच लगेंगे, और लास्ट में इसमें डाल देनी है मैंने बूंदी, और बूंदी के साथ थोड़े से क्रंची आलू। और तो ये हो गई है मम्मी के लिए तैयार, और चम्मच लगा के दे देते हैं मम्मी को, और पूछते हैं मम्मी से मम्मी का रिव्यू कैसा है, क्योंकि मम्मी पहली बार मेरे हाथ का ऐसा कुछ खा रही है। वाह हाँ, मजा आ गया यार, मजा। मैं मम्मी को कह रही हूँ कि इसमें
कटोरा ये खाने वाले है, कहीं पता चला फेंक मत देना। इसका भी पता है मेरी नानी को। अब तो आप देख रही हो ना कैसी बनी अम्मी, चटपटी सही हो रखी है आपके लिए? बढ़िया। नानी तो रुकी नहीं रही है बिल्कुल, हम देख लिया था। भाई मिस्टर पति देव भी आ चुके हैं और आते आते डुमरकू को मिल रहा है प्यार, क्योंकि तीनों पता नहीं कितना निश्वास लगे रहते हैं इन्हें। डुमरकू चूहा, इतनी तो हमें भी निश्वास नहीं लगता होगा जितना इनको लगे रहते हैं। चलो 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 चलो। और अब ये एक कटोरी चाट बना दी मैंने ध्रुवा के लिए, और ये लग गया पति देव का खाना। तो किचन सारा चीज़ें बनाने बनाने के बाद किचन फैला इतना रहता है, और कर दिया है मैंने किचन को बिल्कुल क्लीन। अब इस किचन से मिलेंगे हम सुबह, बर्तन वर्तन धो के वहाँ रख दिए हैं, नीचे फ्लोरिंग क्लीन कर दिए, सब कुछ क्लीन कर दिए है। और अब थोड़ी देर देखते हैं यहाँ पे टीवी। डिनर विनर करके फ्री हो चुकी हूँ और कुछ आज स्पेशल भी बना दिया है। तो हमने तो रोटी नहीं खाई थी, मैंने और ध्रुवा ने तो वही जो बास्केट चाट थी वही खाई थी, मम्मी ने भी वही खाई, फिर किसी ने रोटी नहीं खाई, सिर्फ पतिदेव और पापा ने रोटी खाई है, उनको पराठे दिए थे और पापा को रोटी बना के दी थी सिंपल। तो आज की दिनचर्या कुछ ऐसी ही थी मेरी, बाकी मिलती हूँ मैं आपसे कल अपनी नेक्स्ट दिनचर्या में। और कल तो संडे है, ध्रुव की छुट्टी है, आराम से उठना है, किसी को कोई हसल नहीं है कहीं जाने की, सिर्फ पतिदेव जाएंगे अपने काम पे। बाकी मिलती हूँ मैं आपसे कल अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। तो आज के लिए बाय।